अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह व्हाट्सएप पर किसी के मैसेज रीड करके उसे पता भी ना चलने दें कि आपने उसका मैसेज रीड कर लिया है। दोस्तों, जब हम व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो उस पर एक ग्रे टिक का निशान आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैसेज वहाँ पर रिसीव होता है तो वही एक टिक जो है ना डबल ग्रे टिक में तब्दील हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा मैसेज ओपन करता है, यानी व्हाट्सएप ओपन करता है और आपका चैट रीड करता है या उसको सीन करता है, तो वही डबल ग्रे टिक जो है ना डबल ब्लू टिक में तब्दील हो जाते हैं और यहाँ आपको पता चल जाता है कि आपका मैसेज उस बंदे ने रीड कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सेटिंग करके बताऊंगा कि किस तरह आप किसी के मैसेज भी रीड कर लें और जो डबल ब्लू टिक का निशान है वो वहाँ पर उसको शो ही ना हो और वो डबल ग्रे टिक में ही उसको नजर आए, यानी उसे यही लगेगा कि आप उसके मैसेज रीड नहीं कर रहे हैं। बाज़ औक़ात दोस्तों ये ट्रिक जो है ना आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती है या खास दोस्त होता है, उसने ये ट्रिक लगाई होती है और वो आपको एक किस्म से परेशान भी कर रहे होते हैं। जब आप उसको मैसेज करते हैं तो वो आपके मैसेज रीड कर रहे होते हैं, लेकिन आपको यही लगता है कि वो आपके मैसेज रीड नहीं कर रहा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप में ये सेटिंग किस तरह ऑन करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर फ़र्ज़ करें ये सेटिंग किसी ने ऑन की है या कोई आपको इस तरह परेशान कर रहा है या कर रही है, तो आप उसकी ये सेटिंग किस तरह पकड़ेंगे, मतलब आपको किस तरह पता चलेगा कि उसने ये सेटिंग कर रखी है अपने मोबाइल में, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको ये ऊपर ये थ्री डॉट्स का निशान नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेटिंग्स, जो सबसे नीचे सेटिंग्स लिखा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये जो सेकंड नंबर पर है प्राइवेसी, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये जो रीड रिसिप्ट्स का निशान आपको नज़र आ रहा है जिसके नीचे लिखा है इफ़ टर्न ऑफ यू विल नॉट सेंड और रिसीव रीड रिसिप्ट्स, रीड रिसिप्ट्स आर ऑलवेज सेंड फॉर ग्रुप चैट्स, इसको आपने ऑफ कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑफ कर देते हैं तो दोस्तों आपकी ये सेटिंग ऑन हो जाती है। अब जब कोई आपको मैसेज करेगा तो आप उसके मैसेज भी रीड कर सकेंगे और उसको पता भी ना चलने देंगे कि आप उसके मैसेज रीड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने मैसेज कर दिया है दूसरे नंबर से, ये देखें मैंने इसे ओपन कर दिया, अब ये मैसेज मैंने सीन कर लिया। अब देखते हैं कि वहाँ पर ब्लू टिक का निशान नज़र आता है या वही डबल ग्रे टिक ही रहता है, क्योंकि मैंने ये सेटिंग ऑन कर दी है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर वही डबल ग्रे टिक के निशान नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा कि फ़र्ज़ करें अगर आपके साथ किसी ने ये सेटिंग ऑन कर रखी है तो आपको किस तरह पता चलेगा कि इस बंदे ने ये सेटिंग की है। तो दोस्तों, ये जो है ना जब आपके साथ इस तरह हो रहा है और आप मैसेज कर रहे हैं और आपके मैसेज कोई रीड नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा, तो इट्स मीन कि वो आपके मैसेज रीड कर रहा है। तो दोस्तों, आप जो है ना इस तरह करेंगे कि आप जो है ना एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और उस फ़ोटो को जो है ना वहाँ पर सेंड कर देंगे उस नंबर पर। जैसे ही उस नंबर पर सेंड कर देंगे तो फोटो देखने से डबल ब्लू टिक का निशान नज़र आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि वो बंदा आपके मैसेज रीड कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।